अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 5 है। क्वेश्चन नंबर 12 छोटा सा एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1/4 एक्स स्क्र वाई एंड 16/5 वाई जी क्यूब। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह का क्वेश्चन है, या फिर इसे कह लें क्वेश्चन नंबर 1 जो है 5A का, उसकी तरह बिल्कुल उसी जैसा है। प्रोडक्ट फाइंड करनी है हमने, यानी कि नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, कटिंग वगैरह करके हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है आंसर लिख देंगे, यानी प्रोडक्ट लिख देंगे। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लीकेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है 1/4 एक्स स्केयर वाई, मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि प्रोडक्ट है, किस किस की 1/4 एक्स स्केयर वाई एंड 16/5 वाई जी पावर 3। इक्वल लगाएंगे, मैं नंबर को अरेंज करके थोड़ा लिख लेता हूँ, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी कटिंग हो जानी थी, मैंने ज़रा थोड़ा अरेंज करके एक्स स्केयर मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, एक ये वाई और एक ये वाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय जी की पावर 3, सारी टर्म को मल्टीप्लाई का साइन लिख दिया, ठीक है, हर जगह, ताकि थोड़ा सा ईजी रहे, तो डायरेक्ट भी कटिंग हो सकती थी। देखें 4 1 4 4 4 16, मजीद कुछ भी कटिंग नहीं हो रहा, 1 4 4, यानी कि 1 4 से मल्टीप्लाई आ जाएगा 4 आ गया, और नीचे क्या आ गया 1 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 आ गया, एक्स की भी और टर्म नहीं एक्स वाली, तो एक्स स्केयर ही रहेगा, इसी तरह वाई और वाई मल्टीप्लाई होगा वाई स्केयर आ गया, और इस तरह आगे जी क्यूब ही है बस, तो जी क्यूब ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सॉल्व होगा। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।